हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके प्लांट्स के बर्ड्स क्यों गिरते हैं और इसके सोल्यूशंस भी बताएं। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को सबसे पहले मैं आपको रीजंस बता देता हूँ कि हमारे फ्लावर या फिर बर्ड्स क्यों गिरते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है ओवर वाटरिंग। अगर आप अपने प्लांट को ज्यादा पानी दे देते तो फिर उसके बर्ड्स गिरने लगते हैं। वैसे अगर आप उसका अपोजिट अगर अपने प्लांट को बहुत कम पानी डालते हैं तो भी आपके प्लांट के बर्ड्स गिरते हैं। और अगर आप अपने प्लांट पर कोई पेस्ट लगे होंगे तो भी बर्ड्स गिरते हैं। इसलिए अगर पेस्ट आपको दिखे तो आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिएगा। अब और एक रीज़न है कि आपके प्लांट या फिर आपके मिट्टी में फंगस लगा हो सकता है। इसके वजह से आपके प्लांट के बर्ड ने इस प्लांट को रेगुलर टीलिंग या फिर खुरपी करता था तो ये ऐसे बर्ड्स गिरने लगे। तो आपके भी अब ये भी बर्ड्स हैं ना, ये भी गिर जाएंगे। तो इसलिए फिर आपको टीलिंग रोज़ नहीं करनी है, बस हिबिस्कस प्लांट के लिए। कारण हो सकता है कि आप अपने प्लांट पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो आपको फर्टिलाइज़र उसे एक महीने में से डालना चाहिए। और गर्मियों के तो आपको गोबर खाद ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोबर खाद कैसे दोस्तों गर्म होती है, तो गर्म इससे अपने प्लांट को शॉक लग सकता है, इसलिए फिर उसके बर्ड्स गिर सकते हैं। तो आप उसकी कंपोस्ट ही यूज़ कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। जैसे मैंने ओवर फर्टिलाइजिंग का बताया, वैसे ये लेस फर्टिलाइजिंग से भी होता है। अगर आप अपने प्लांट पर बिल्कुल खाद नहीं डाल रहे या फिर बहुत कम खाद डालते और कुछ भी अपने प्लांट को नहीं डालते तो उन पर तो बर्ड्स आते ही नहीं है। बट अगर आपके मिट्टी में माइक्रोब्स हो गए तो उससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फिर बर्ड्स तो आते हैं पर वो बर्ड्स गिर जाते हैं। इसलिए अगर आपने कंपोस्ट नहीं डाल रखा है तो आपको अपने प्लांट पर कंपोस्ट यूज़ करना शुरू करना है। तो अगर आप पहली बात अगर आप ज़्यादा पानी डाल रहे तो आपको पानी कम कर देना है। अगर आप कम पानी डाल रहे तो आपको पानी रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है। और गर्मियों में वैसे भी आपके प्लांट को एक टाइम आप पानी ज़रूर दीजिए। और हिबिस्कस के प्लांट पे अगर बर्ड्स गिर रहे तो फिर जैसे मैंने बताया कि आप खुरपी तीन महीने या फिर एक महीने में से ही आप खुरपी कीजिए अपने प्लांट पर। और अगर आपके प्लांट पर पेस्ट लगे तो आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 10 पेस्टिसाइड बताए। जो भी पेस्टिसाइड आपको अच्छा लगता है वो आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप नीम ऑयल घर पर बनाना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं और नीम ऑयल कैसे अपने घर पर बनाएंगे और फिर आप अपने प्लांट पर वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके मिट्टी में फंगस लगे तो आप नीम खल यूज़ कर सकते हैं, उसका भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीम खली आप अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप अपने मिट्टी में उसे डाल सकते हैं, 2 चम्मच अपने मिट्टी में। और अगर पौधा पॉट में लगा है ऐसा तो फिर आपको इसमें 1 चम्मच स्प्रिंकल कर देना है। और अगर आप नीम खली बनाना नहीं चाहते या फिर नीम खली लाना नहीं चाहते तो सिंपली अपने घर की जो राख होती है लटमर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पर पत्तियों पर या फिर अपने ब्रांचेस पे फंगस लगे तो आप अपने प्लांट को पहले अपने पत्ते वगैरह पे पानी डाल दीजिएगा और फिर अपने प्लांट को भी पानी डाल दीजिएगा और उसमें आपको पूरी राख छिड़क देनी है और अपने प्लांट पर भी आपको पूरे अच्छी तरह से राख छिड़कनी है और फिर आपको उसे पानी नहीं डालना है एक दिन तक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपके प्लांट पर बर्ड्स गिर रहे और कौन सा भी प्लांट हो तो उस प्लांट के लिए मैं अलग से आपको इलाज बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे अब आ जाएंगे। और दोस्तों में डाउट पूछ सकते हैं और दोस्तों व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों आप डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।